मखाना, फूल मखाना, फोक्स नट, कमल के बीज, पद्म बीजाब, कंट पद्मा आदि अनगिनत नामों से जाने जाने वाले इस सूखे मेवे, स्वादिष्ट सूखे मेवे के लाभ भी अनगिनत हैं। जैसे आपको वजन बढ़ाना हो अपना या फिर आपके वजन कम करने की इच्छा हो, दोनों ही अवस्थाओं में इसे प्रयोग करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, परंतु लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके अलावा शुगर, मधुमेह जैसी बीमारी या फिर उसके चलते विभिन्न प्रकार के जो उपद्रव उत्पन्न होते हैं उनसे भी छुटकारा दिलाने का यह कार्य करता है। वहीं महिलाओं व पुरुषों की हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी, विशेष तौर पर जननेन्द्रियों की कमजोरी में इसका प्रयोग विशेष लाभदायी है। इसके अलावा हमारे हृदय, मस्तिष्क व अन्य शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को बल प्रदान करने की इसकी क्षमता विशेष सराहनीय है। इन सब के अलावा और भी अन्य बहुत से लाभ मखाने के प्रयोग से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन सब के विषय में विस्तार से आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इसे प्रयोग करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है उसके विषय में भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इन सब के अलावा आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि मखाने की आखिर तासीर क्या होती है, क्या यह गर्म प्रकृति का होता है या फिर शीतल प्रकृति का यह है। ऐसे छोटे छोटे और भी अन्य आपके बहुत से महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रॉबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मखाना आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार मखाना मधुर और प्रकृति में शीतल होता है। महिलाओं में पुरुषों दोनों की पुंसत्व क्षमता अर्थात फर्टिलिटी पावर, संतानोत्पादन की क्षमता में यह वृद्धि करने का कार्य करता है। चलिए थोड़ा विस्तार के साथ एक एक विषय पर चर्चा करते हैं। यदि कोई अपने वजन को कम करने के लिए लो कैलोरी फूड की तलाश कर रहा है तो उसके लिए मखाने से बेहतर विकल्प शायद ही अन्य कोई होगा, क्योंकि इसे खाने से आपको अपनी भूख में संपूर्णता का भाव तो अनुभव होगा ही, साथ ही साथ मखाने में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो ना केवल आपके वजन को कम करने में आपकी सहायता करेंगे बल्कि डाइजेशन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बल प्रदान करने का कार्य करेंगे। विशेष तौर पर कब्ज की समस्या में इसके प्रयोग से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, कब्ज से या छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। वहीं वजन को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले मखाने का प्रयोग इसकी खीर बनाकर यदि करते हैं तो इसके समान पौष्टिक गुण प्रदान करने वाला शायद ही अन्य कोई सूखा मेवा होगा। साथ ही साथ वजन को तेजी के साथ ही बढ़ाने का कार्य करता है। वहीं आजकल के रहन सहन और खान पान के चलते शुगर की समस्या जो बड़ी ही आम हो गई है, बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाए हुए है। मधुमेह के रोगियों के लिए एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति ये रहती है कि उन्हें एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित कैलोरी में भोजन ग्रहण करना होता है और उसी मात्रा में उन्हें संपूर्ण पोषण की भी आवश्यकता होती है ताकि मधुमेह के चलते उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के उपद्रव उन्हें ना झेलने पड़े। तो ऐसी अवस्था में मखाने के प्रयोग से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि संपूर्ण पोषण आपको बहुत ही कम कैलोरी और बहुत ही कम शुगर ग्रहण करने से आपको मखाने के प्रयोग से प्राप्त होगा। मधुमेह के रोगी यदि अपनी शारीरिक दुर्बलता और कमजोरी को दूर करने के लिए मखाने की खीर बनाकर प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छे लाभ की उन्हें प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, उनके शारीरिक बल और क्षमता में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। परंतु ध्यान रखें, चीनी, मिश्री आदि का आप प्रयोग ना करें। वहीं जोड़ों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी, हाथ पैरों का दुखना, थोड़ा बहुत वजन उठाने पर ही बहुत अधिक थकान या कमजोरी की अनुभूति होना, ऐसी समस्याएं आमतौर पर कैल्शियम की कमी के चलते भी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में मखाने के प्रयोग से आपको लाभ की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती हुई दिखाई देगी। हड्डियों की कमजोरी और स्टैमिना की कमी, दोनों ही समस्याओं में इसका प्रयोग विशेष लाभदायी रहता है। ऐसी अवस्था में आप हल्का घी में भूनकर इसका बारीक चूर्ण बना लें और एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इसका प्रयोग करें। चाहें तो आप मिश्री मिलाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है वो घी के अंदर ना भूने और नमक आदि का प्रयोग भी ना करें। हालांकि मैं आपको बता देना चाहूंगा, मखाने में पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है जिसके चलते हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए इसका प्रयोग लाभदायी रहता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का यह कार्य करता है। इन सब के अलावा अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी स्ट्रेस गुणों के चलते नींद की कमी, पुरानी सूजन की अवस्था, चेहरे पर असमय पड़ने वाली झुर्रियां आदि समस्याओं से भी यह छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। ऐसी अवस्था में आप किसी भी प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप सूखा इसे खाएं, घी में भूनकर, तलकर इसे खाएं या फिर खीर बनाकर ही
इसका प्रयोग क्यों ना करें। हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, परंतु यहाँ ध्यान रखें, नींद कम आने की अवस्था में आपको खीर बनाकर इसका प्रयोग करना अधिक लाभ प्रदान करेगा। वहीं हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी को भी इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। इस सूखे मेवे का एक विशेष फायदा ये भी है कि अन्य सूखे मेवों की अपेक्षा इसकी प्रकृति शीतल होती है, अतः किसी भी मौसम में किसी भी प्रकृति की चिंता किए, किसी भी दुष्प्रभाव की चिंता किए कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है, जबकि अन्य सूखे मेवों में यह आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। इसी कारण जिन लोगों के शरीर में अतिरिक्त ऊष्मा बनी रहती है, जलन की समस्या बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति यदि इस सूखे मेवे का पाउडर बनाकर दूध के साथ प्रयोग करते हैं, हल्का भूनकर पाउडर बनाकर दूध के साथ प्रयोग करते हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। ना केवल शारीरिक बल में वृद्धि होगी, बल्कि अतिरिक्त ऊष्मा, शरीर में रहने वाली जलन, दोनों ही अवस्थाओं में लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। वहीं पुरुषों और महिलाओं की संतान उत्पादन की क्षमता को भी यह बढ़ाने का कार्य करता है। हृदय को बल प्रदान करने का कार्य करता है। संपूर्ण शरीर के रक्त आपूर्ति को यह सुधारता है, जिसके चलते प्रजनन अंगों के रक्त प्रवाह को भी यह सुधारता है, और इसी कारण उन्हें बल प्रदान करने का भी यह कार्य करता है, और जिसके चलते संतानोत्पादन की क्षमता में निश्चित तौर पर वृद्धि होती है। साथ ही साथ शरीर की सप्त धातुओं की शुद्धि और पुष्टि करने का यह कार्य करता है। विशेष तौर पर शरीर की सप्तम और सबसे महत्वपूर्ण धातु मखाने की खीर का लगातार प्रयोग करने पर विशेष तौर पर पुष्ट होती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ विशेष लाभ मखाने के। यदि आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो कुछ लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप उस लिंक के माध्यम से मखाने या अन्य प्रोडक्ट अमेजोन से खरीदते हैं तो परोक्ष तौर पर हमारे चैनल को भी लाभ होगा। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।